कीजिए, बैठ जाइए, अंदर आइए, बैठ जाइए अपनी जगह पर। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में, जो कि यहाँ पर एनआरसी और सीए के विरोध में लोग हजारों की तादाद में हुए शामिल। आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं और उनका क्या कहना है। आप अगर एनआरसी लागू करेंगे तो बताओ, हम पुराना 60 साल 50 साल 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमारे आदमियों को नौकरी से घर में जो नौकरी है थोड़ी बहुत, वो नौकरियों से घर में बैठना पड़ेगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं क्या माना एनआरसी के लिए हम कागज और डॉक्यूमेंट लेने के लिए दर दर की ठोकर खाए। बम्बई में आके फैमिली बस गई है, वो अपने गाँव में बाप दादा का डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए काम धंधा छोड़ के वहाँ दर दर भटकेंगे। हर मुल्क में कोई ना कोई इधर से उधर बसा हुआ है। वो ऐसा उलझन और बेचैनी का माहौल इस देश में हो जाएगा कि जैसे भूकंप आता है लोग जलजले आते हैं, अपने आप को खोते हैं, भागते हैं, बाल बच्चे ढूंढते हैं। ये एनआरसी जब लागू होगा तो जलजले से भी बेकार माहौल हिंदुस्तान में होगा। तो हम ये एनआरसी लागू नहीं करना चाहते। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतने वक्त नहीं है इसके ऊपर हम पैसे खर्चा करें और अपना वक्त इसमें गवा। हम नहीं चाहते एनआरसी, हमको नहीं चाहिए एनआरसी और सीए, सीए भी हमको नहीं चाहिए। हमारी सर्वेलेंस मुंबई से है, आपका नाम बता। सुफिया हनीफ। हाँ सुफिया जी, मुंबई बाग में 26 जनवरी से कई औरतें वहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठी हुई हैं और वहाँ के हालात ऐसे है कि वहाँ पे FIR हुआ है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी ये बात सच है कि हुआ है, लेकिन 149 भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी वहाँ पे बैठेंगे और डटे रहेंगे क्योंकि हमको जो जज्बा मिला है वो शाहीन बाग की औरतों से मिला है और हम उनको सलाम करते हैं इस चैनल के माध्यम से। उनको हम पहले सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और उनके नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार भी और हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, हम ये अपील करते हैं, मैं अपील करना चाहती हूँ इस माध्यम से कि जो CA है, NPR है और NRC है, इसको कम्प्लीटली रिवोक कीजिए। हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। आप कुछ भी रीजनिंग्स दीजिए, आप कुछ भी बताइए, हमको कोई भी एंगल से नहीं चाहिए। और मैं उद्धव ठाकरे से, ठाकरे जी से भी मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जो वो NPR लाने वाले हैं 1 मई से, तो वो भी इनको पीछे ले लीजिए, उनको रिवोक कर दीजिए, बिकॉज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं और आज तक हम उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। और हमारा जो संविधान है ये बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी लिबर्टी। तो आप मुझे बताइए, ये जो हमको FIR जो हुआ और ये सब दिए, तो जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर भी आप हमको दे रहे हैं, हम प्यार से मुस्कुराते हुए हम ले रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। क्या कहना चाहते हैं इस कानून के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजी आशा सामुल हक है। मैं ये कहना चाहती हूँ इस कानून के बारे में कि ये जो कानून आया है CA, NRC और NPR, ये हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी कौमी यकजहती है जो पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो पूरे दुनिया में जिसकी वजह से जाना जाता है अपने भाईचारे और अपनी एकता और मोहब्बत की वजह से, वो ये कानून इस चीज़ को तोड़ रहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि जो मोदी गवर्नमेंट जो हमसे हमारे कानून मांगना चाहती है, आप बताएं कि हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे कि हम लोग जाके अपने परदादा और दादा दादी का कानून और कागज़ लेकर आएं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हुकूमत ऐसा क्यों करे हमारे साथ, हमारे लिए उनको नए नए जॉब, नए नए इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए, हमें एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि हम लोग अपनी जो हमारे अंदर की जो एलिजिबिलिटी है, जो हमारे अंदर जो काबिलियत है, उसके लिए हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, हम लोग अपने बता सकें कि हमारे मुल्क में भी तरक्की हो सकती है और हम लोग अपनी तरक्की में एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकें। लेकिन जब हमारे पास इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं होगा, हम लोग कागजात ढूंढने में बिजी रहेंगे, तो हम लोग कैसे मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे? अच्छा, महाराष्ट्र सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र सरकार को यही कहना चाहूँगी, जैसे कि केरला और पंजाब के सरकार ने जिस तरह से बाकायदा रिटर्न में लिख के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजा है कि हम लोग इस कानून को नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल इसी तरह से एक बिल पास कराए, एक ऐसा लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिए कि हम लोग भी इस गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर हम लोग ये कानून लागू होने नहीं देंगे। और जिस तरह से और सब प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आके शामिल हो, हमारी बात सुने और हमारा साथ दे।
और हम सर्विलेंस मुंबई से, आपका नाम क्या है? हमारा नाम इस्लामुल हक जमील अहमद काजी है। अच्छा, ये जो अभी NPR सरकार लागू करने जा रही है उसमें सरकार का कहना है आपको कागज नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है? जो पहले हमारे देश में जनगणना होती थी इसी को NPR भी कहते हैं, अभी इस सरकार ने इसमें 8 क्वेश्चन बढ़ा दिया है। इसने लिखित किसी डॉक्यूमेंट में ये नहीं दिया है कि मैंने ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है, जैसे पहले जनगणना होती थी उस तरीके जनगणना ये नहीं है। NPR का मतलब NCR है। NPR के 4 कॉलम में लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ये NCR की पहली सीढ़ी है। NPR फर्स्ट सीढ़ी NRC है। और NPR में एक कानून इसने ये रखा है कि अगर तहसीलदार ने डाउटफुल हमारे आगे लगा दिया तो हमारा वोटर ID ख़त्म हो जाएगा, हमारा वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसको सरकार ने अभी तक लिखित नहीं दिया है। कैमरामैन अखिल खाटिक के साथ मैं सलीम अंसारी, सर्विलेंस मुंबई।